पुलिस ने टीएसपी से उग्रवादी संगठन के 6 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उनके पास से 5 देसी कट्टा, जिंदा गोली और बुलेट के टिप बनाने का पत्थर बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि रमकंडा थाना क्षेत्र की ठोंगा पानी के जंगल क्षेत्र में 4-5 हथियारबंद लोग देखे गए हैं, जो खुद को टीएसपी से उग्रवादी संगठन का सदस्य बताते हुए क्षेत्र में चल रहे हैं। इसी सूचना पर सशस्त्र बल ने खदेड़कर उग्रवादी संगठन के 6 सदस्यों को हथियार के साथ पकड़ लिया। कल 31 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कि हम लोग का रमगंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये ढोंगा पानी एक जंगल है, उसमें 4-5 लोग टीएसपीसी के नाम से वर्दीधारी लोग घूम रहे हैं हथियार के साथ। और एक दिन पहले और सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लोग चैनपुर के क्षेत्र में भी घूम रहे थे, चैनपुर के क्षेत्र से होकर के रमकंडा क्षेत्र में है। इसी सूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका, थाना प्रभारी भंडरिया और थाना प्रभारी रमकंडा, थाना प्रभारी रंका और इंस्पेक्टर सीआई रंका, इनके नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया सशस्त्र बल के साथ। और इन लोगों ने सटीक सूचना संकलन करते हुए इसकी घेराबंदी की, इस टीम की, और घेराबंदी कर 4 लोगों को पकड़ा गया। चारों लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैमोफ्लाज वर्दी में थे और इनके पास से 4 हथियार बरामद हुआ। जब इनसे फर्दर पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि इनका जो हथियार सप्लायर है वो बडीहा का रहने वाला है, उसको भी पकड़ा गया। और एक और इनका साथी जो है सीधे कला का था, गढ़वा का, तो उसके पास से भी हथियार बरामद किया, उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो इस प्रकार से कुल 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने अपना एक नया संगठन बनाया है और जिसका कि मुख्य उद्देश्य ये था कि अभी जो बीड़ी पत्ता का सीजन चल रहा है तो उसके संवेदक से और रोड वगैरह का जो काम कर रहे हैं उनके संवेदक से टीएसपीसी के नाम पर लेवी वसूली है। इनका 2 लोगों का अभी हम लोगों का आपराधिक इतिहास भी मिला है, जिसमें आम शक के केसेस हैं, हत्या के केस हैं, लूटपाट का केस है, बाकी का हम लोग क्रिमिनल हिस्ट्री और निकाल रहे हैं। बिल्कुल, ये जो गैंग खड़ा हो रहा था इस पूरे गैंग का सफाया हुआ है और इसमें कुल 5 हथियार बरामद हुए हैं, तो जिंदा गोली है और कैमोफ्लाज वर्दी के साथ में 4 लोग और 2 लोग और गिरफ्तार। पत्थर जो है वो लेड का पत्थर है, शीशा का पत्थर है और उसका इस्तेमाल ये लोग गोली बनाने के लिए, गोली का जो टिप होता है बुलेट का। गौरतलब है कि ये लोग विभिन्न विकास योजनाओं के संवेदक, बीडी पत्ता संवेदक एवं जनप्रतिनिधियों को हथियार के बल पर डरा धमका कर लेवी वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों पर कई थानों में कई तरह के मामले भी दर्ज हैं। उसकी भी गहनता से जांच की जा रही है। गढ़वा से अभित तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।